हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे होंगे, आप सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड आप सभी को पता ही होगा कि बिहार इंजीनियरिंग का चॉइस फिलिंग चालू हो चुका है एंड जितने भी सीट बचेंगे उसके बेसिस पे आपका बीसीईटी का भी एडमिशन होगा, ठीक है। तो अभी आपका चॉइस फिलिंग जो है 20 तारीख से 26 तारीख तक चलने वाला है। आई होप आप सभी ने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लो जल्दी से, क्योंकि अगर आपका 13,000 भी रैंक है, ठीक है, 13,000 भी रैंक है या फिर 12,000 भी रैंक है तो आपको कॉलेजेस मिलेंगे बाबू, ठीक है। 12,000 रैंक है या 13,000 रैंक है या 10,000 रैंक है तब भी आपको कॉलेजेस मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको कॉलेज मिलेगा और अभी भी बता रहा हूं कि आपको कॉलेज मिलेगा। देखो बेसिकली बात क्या है कि आपका जो टोटल सीट है बिहार इंजीनियरिंग में वो इस बार 15,000 है, ठीक है, मतलब 15,000 से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीट है। एंड कैंडिडेट को ये लग रहा है देखने में, जब आप सीट मैट्रिक्स देखोगे, ठीक है बाबू, सीट मैट्रिक्स देखोगे तो उसमें कैटेगरी वाइज सीट डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज सीट को बांट दिया गया है, जिसके कारण कैंडिडेट को लग रहा है कि सीट बहुत कम है, ठीक है, सीट बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है बाबू, ठीक है, सीट बहुत ज्यादा है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप टोटल अगर आप कैटेगरी वाइज अगर सीट को ऐड करोगे तो टोटल आप सीट देखोगे कि 15,000 प्लस है, ठीक है, 15,014 है शायद, इतना करके सीट है। और इतना सीट है तो ऑब्वियसली सी बात है कि सबको कॉलेज मिलेगा, चाहे उसका रैंक 13,000 हो, ठीक है, या फिर 12,000 हो या फिर 11,000 हो या फिर 10,000 हो, सबको कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता। तो यही है आप लोग के लिए खुशखबरी कि आपका बहुत ज्यादा सीट बढ़ा है इस बार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पिछले बार के कंपेयर में हम बात करें, ठीक है, पिछले बार के कंपेयर में बात करें तो 2023 में टोटल सीट था 13,000, ठीक है, 13,675। मैंने पहले भी वीडियो बना के बोला था कि इस बार सीट जो होंगे वो 14,000 से प्लस होंगे, 14,000 कुछ सीट होंगे, लेकिन इस बार का बहुत ही ज्यादा अंतर आया। 24 में आपका 15,000 टोटल सीट हो गए हैं, ठीक है, 15,000 प्लस सीट है, मतलब कि 2,000 का डिफरेंस, 2,000 1,500 सीटें इस बार बढ़े हैं। और कैंडिडेट भी बढ़ा है, ऐसा नहीं कि कैंडिडेट नहीं बढ़ा है, कैंडिडेट भी बढ़ा है। तो क्या उतना ज्यादा कट ऑफ हाई जाएगा जितना बोला जा रहा है? ठीक है, देखो उतना ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, आप सभी को कॉलेज मिलेंगे, चाहे आपका 13,000 रैंक है या फिर 12,000 रैंक है या फिर 11,000 है या फिर 8,000 है, ठीक है, सबको ब्रांचेस मिलेंगे, सबको कॉलेज मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेसिकली बात क्या हुआ है कि जो भी कैंडिडेट, ठीक है, जो आप सभी को पता है कि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत दिनों बाद चालू हुआ है, रैंक कार्ड आने के बहुत दिन बाद चालू हुआ है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका 90% था और 80% था और 70% होगा, वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लिए होंगे। उनको लग रहा हो कि यार कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जिनके कारण होगा क्या कि आपका सीएससी का कट ऑफ, सिविल का कट ऑफ, एनईसी का कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा, ठीक है, हो सकता है मे बी कि सबका ये सब 8,000 पे भी आपको मिल जाए, ठीक है, अगर आपका यूआर रैंक 8,000 भी है तो आपको सीएससी मिल जाए एंड सिविल मिल जाए एंड आपको ईसीई मिल जाए 10,000, ऐसे तो इसी आपको 13,000 पे मिल जाएगा, डोंट वरी, एंड आपको इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा 13,000 पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैकेनिकल भी आपको 13,500 तक 14,000 तक मिल जाएगा। तो हो सकता है मे बी कि ऐसा कटअप जा सकता है इस बार, एंड ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा जाएगा, ठीक है, ज्यादातर ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जिनका 90% था 80% था वो सारे छोड़ के चले गए हैं एंड सीट भी आपका इंक्रीज हुआ है, तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है, जैसे कि मैं बता रहा हूं यहाँ पे आप सभी को, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक बार कि आखिर हाईएस्ट कटअप कितना जा सकता है सीएससी का, ठीक है, तो सीएससी का कटअप मेरा मानना है कि इस बार 8,000 तक जा सकता है बाबू, ठीक है, 8,000 तक जा सकता है, जिन बच्चों का 8,000 युवा रैंक है वो ट्राई कर सकते हैं, मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर सिविल की बात करें तो सिविल में भी आप 8,000 से 9,000 तक है तो ट्राई कर सकते हो, अब 10,000 बहुत ही ज्यादा रैंक हो जाता है तो 10,000 वालों को मिलेगा, गर्ल्स का अलग रैंक होगा। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो सिविल में आप कंप्यूटर साइंस में 9,000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है, लेकिन बॉयज की अगर हम बात करें तो 8,000 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम ईसी कटअप की बात कर लो तो ईसी में आपका 13,000 तक जाएगा बाबू, ठीक है, 13,000 तक जाएगा, और इलेक्ट्रिकल में भी 13,000 प्लस जाएगा, ठीक है, 13,000 प्लस जाएगा एंड मैकेनिकल में भी 13,000 प्लस जाएगा,
मतलब इतने ज्यादा कटअप आपके जा सकते हैं इस बार लगभग, ठीक है, क्योंकि सीट बढ़े हैं और सीट बढ़ने के साथ जितने ज्यादा कैंडिडेट बढ़े हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बीच में चल भी गए होंगे क्योंकि उनको प्राइवेट कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिल गया होगा या फिर अदर स्टेट में उनको कॉलेज मिल गया होगा तब, ठीक है। तो आप लोग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपका 13,000 रैंक है या फिर 11,000 है या फिर 10,000, कॉलेज सबको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आएगा, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और एंड चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। अगर कोई भी चॉइस फिलिंग में डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं जरूर आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय।